फॉर्म लेके भी जाएंगे तो हमारा दबा दिया जाएगा, अरे इन लोग तो ट्रांसजेंडर, इनकी तो कोई वो नहीं है, कहाँ की अकल। दर्द क्या है और हम समाज में क्या चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, पहले लड़के थे अब लड़की कैसे बन गए, तुम इस लाइन में क्यों आना चाहते हो। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में हम हैं। ये चौपाल जो है इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो एक थर्ड जेंडर वर्ग के होते हैं। बिलासपुर शहर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, थर्ड जेंडर के लोग भी वोटिंग करते हैं, इनके साथ क्या समस्या आती है और किस तरह की पॉलिसी ये चाहते हैं अपने लिए और क्या राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में इनके लिए जगह है या नहीं है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल विजय अरोरा जी से, आप ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के साथ काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये चुनावी समर में जो पहले पहले आपके दिमाग में बात आती है वो क्या चाहते हैं इस साल आप चुनाव के दौरान? सर, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो समुदाय में जो पुरुष की क्राइटेरिया में जो वोटर आईडी चलता आ रहा है उसको बदल दिया जाए, उस पर फॉर्म भराया जाए ताकि हम भी ट्रांसजेंडर्स की गिनती में ज़्यादा नज़र आएँ, ये सबसे पहला सवाल है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष के लिए वोटर आईडी की लाइन है और जो भी सुविधाएँ हैं वैसी सुविधाएँ हमारे को भी दी जाए, ट्रांसजेंडर्स को भी। जी, तो अगर अलग पहचान होगी आपको तो वोटिंग करने में आसानी होगी और सरकार को पॉलिसी बनाने में भी आसानी होगा। एक पूरी जीवन जो है आपने जी लिया है ट्रांसजेंडर के तौर पे, आपको क्या लगता है कि कभी आपको इस बात की ज़रूरत महसूस होगी अगर सही तरीके से गिने जाते आप तो आपके लिए सही पॉलिसी या जो है योजना बन पाती? सही योजना और हर चीज़ मिलता हमें शुरू से अगर गिना जा सकता तो हमें गिना नहीं जा रहा ठीक से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं गिना जा रहा है और उसमें हमारी हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो समस्याओं का समाधान हो जाता ट्रांसजेंडर का अगर उसको सही तरीके से गिना जाता। एक ट्रांसजेंडर यूथ ट्रांसजेंडर होने के नाते आपको क्या लग रहा है थर्ड जेंडर का जो प्रतिनिधित्व है इस वक्त राजनीतिक तौर पर वो सही है या फिर उसमें सुधार होने की ज़रूरत है? तो ट्रांसजेंडर को शुरू से ही सब चीज़ समाज अगर अधिकार देगा तो ट्रांसजेंडर भी शेप रहेगा सर, आगे ट्रांसजेंडर भी आम लोगों की तरह साथ में ही रहेंगे, ये मेरा सोच है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि युवा थर्ड जेंडर का कि अगर उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया गया तो वो भी व्यवस्थित तरीके से समाज में रहेंगे, सही शेप में रहेंगे। एक स्ट्रेट व्यक्ति होने के नाते, ये आप तो समान लोगों में से एक हैं, आप ये बताइए कि इन लोगों को साथ जब आप काम करते हैं देखते हैं इनको तो क्या लग रहा है, इनसे कौन सी गलती हो रही है कि ये इस स्थिति में है? सर, सबसे पहले तो इनको घर परिवार में ही अपनाया नहीं जाता, वो अपने आप को अपना चुके हैं लेकिन घर परिवार और समाज के द्वारा ही उनको नहीं अपनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो समाज के द्वारा इनको अपनाना जरूरी है। समाज इनको अपनाए, इससे पहले इन्हीं के वर्ग विशेष के लोग भी इन्हें अपनाए, इसकी भी ज़रूरत है। हमने देखा है कि कई बार जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो अपने समुदाय में फंसे होते हैं, कोई साड़ी वाला है, कोई पैंट शर्ट वाला है, कोई गे है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि आखिरकार जो LGBT होता है वो क्या होता है। सर देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि हर व्यक्ति को मैं तो ये नहीं बोल सकता एक ट्रांसजेंडर प्रेसिडेंट होने के नाते कि वो सभी लोग माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ें और जाने, पर हाँ आज समाज में ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर्स में भी कैटेगरियाँ हैं और हम उस अगर कैटेगरी में आ रहे हैं, हम यदि स्वयं अपने आप को कहते हैं कि यस आई एम ट्रांसजेंडर तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मेरा साड़ी पहनने वाले और साड़ी नहीं पहनने वाले दोनों ही तरह के लोग जो है थर्ड जेंडर हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? सर फ़र्क इसमें ये है कि साड़ी पहन के मतलब खुद को बता रही कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन जो साड़ी नहीं पहन रही वो भी मतलब एक फील करते लड़के की तरफ अट्रैक्शन रहता है उनका, और ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन खाली मतलब मैं हूँ तो मेरे लिए ही। कपड़े बदलने नहीं बदल पाने की क्या वजह होगी, वो बदल लेते हैं आप नहीं बदल पाते? बदलने की वजह ये है सर कि जैसे समाज हमको एक्सपेक्ट ना करे, जिस मतलब कहीं काम करें तो हमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि तुम पहले लड़के थे अब लड़की कैसे बन गए, तुम इस लाइन में क्यों आना चाहते हो, खुल के एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे हमको और प्लस बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, घर वाले भी मतलब बोलने लगेंगे, घर वाले से भी निकाल घर से भी निकाल दिया जाएगा हमको ऐसे बहुत। एक सामान्य तौर पर जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री में समझा होगा, ट्रांसजेंडर के लोगों को या थर्ड जेंडर के लोगों को सबसे पहले उनके घरों से निकाल दिया जाता है। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप बताएं जब इनके साथ समय बिताते हैं आपने क्या देखा कि इनको क्यों नहीं सोसाइटी में स्वीकारा जा रहा है? इसलिए नहीं स्वीकारा जाता है क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल है जिस तरीके से ये रहते हैं तो उसकी वजह से उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता, क्योंकि ये पहले लड़के होते हैं फिर लड़कियाँ
के रूप धारण करते हैं, तो वो समाज की मेंटिटी जो है शुरू से कि अरे नहीं इनके साथ नहीं रहना है या इनके लिए कुछ नहीं करना है, तो ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ क्योंकि जब से मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को भी लोग बहुत सारी उंगलियाँ उठाते हैं कि मैम आप इनके साथ रह के इनके लिए क्यों काम कर रहे हो, लाइफ दुनिया में तो बहुत सारे वर्क हैं आप वो कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। देखो इनको भी तो किसी की ज़रूरत है, ये अगर कभी अपने से नहीं उठ पाते हैं तो कोई तो आगे आए जो इनको ऊपर लेके जाए। क्या बेहतर होगा अगर इन्हीं के वर्ग से कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, इधर कोई अधिकारी बन जाए, तो क्या इनके लिए बेहतर पॉलिसी बन सकती है? जी सर, बहुत बेहतर पॉलिसी बन सकता है क्योंकि आम आदमी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, जैसे कि एक आदमी दूसरे अगर तकलीफ में है तो तकलीफ वाला ही इंसान उसको समझ सकता है, तो ट्रांसजेंडर है कोई तो उसको वो वही पहचान सकता है या उसको ऊपर उठा सकते हैं। जी, हमने ये भी देखा है कि एक ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर का जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी कठिन भी होता है, कई बार उसका वायलेंस बिहेवियर जो है वो लोगों को डरा देता है, कई बार हमने देखा कि लोग इसलिए भी कतराते हैं कि पता नहीं आपके आप क्या करने वाले हो उसके साथ, ऐसी स्थिति क्यों बनती है? ऐसी स्थिति इसलिए बनते हैं सर क्योंकि हमारे पास भाई तमीजी से सेफ आते हैं, तो इसलिए वैसे हम आपके साथ पहले बुरा व्यवहार किया इसलिए लगता है कि आप भी कर सकते हैं, बुरा पेश आएंगे तो बुरा करना पड़ता है सर, वैसे हमको कोई शौक नहीं है ट्रांसजेंडर को कि हम बुरा पेश आए, हमारे पास अच्छा पेश आएंगे तो हम भी अच्छा ही पेश आएंगे सामने वाले पर्सन के पास। एक सोसाइटी में स्टिग्मा बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है कि क्यों आपके साथ बुरा भी व्यवहार करना है, ये क्यों जरूरी है? सर नहीं पता क्यों समाज में एक बहुत गंदी छवि बनी हुई है हम ट्रांसजेंडर्स को लेके, या हो सकता है कि जो बड़े पर्दों पे आज तक दिखाया गया कि जैसे बहुत सारी मूवीज़ आई उसमें एक ट्रांसजेंडर को एक हवान की तरह दिखाया गया, किसी को मर्डरिस दिखाया गया है ना, तो ये जो छवि बोलते हैं ना जो दिखता है समाज में वही सब लोगों को माना जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, परंतु सच में सर ट्रांसजेंडर समुदाय वैसा नहीं है, अगर आज हमें भी प्यार और सम्मान दिया जाए तो हम भी उस लायक हैं और वैसे बन सकते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको रिसेंटली बता दूँ कि एक बहुत अच्छी मूवी आई है सुष्मिता सेन की ताली है ना, उस मूवी को देखे समाज, हर एक व्यक्ति देखे उसमें हमारा दर्द क्या है और हम समाज में क्या चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। तो ये जो फिल्म जर्नलिज्म है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो बॉटम में जो व्यवहारिक रूप से आप समस्या आप करते हैं फेस करते हैं, मैंने देखा कि एक ट्रांसजेंडर के पास लिमिटेड वर्क होता है कि उसी तरह के काम वो करेगा, उसमें कई बार हमने देखा कि उसको सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको इस्तेमाल किया, एक टीचर आपको इस्तेमाल करता है, इंजीनियर आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन आप कभी टीचर या इंजीनियर नहीं बन सकते, क्या है ये सर? क्योंकि हमको इस्तेमाल करने वाला भी आप ही के समाज से तो आ रहा है ना, हम तो अपनी कम्युनिटी से थोड़ी ना सेक्स करेंगे तो आप ही के समाज से करेंगे, मेनस्ट्रीम से करेंगे जी। हाँ। तो उन लोग जब हमको इस्तेमाल करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं तो हमें क्यों, हमको तो शुरू से ही मौका नहीं मिलता, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, फॉर्म लेके भी जाएंगे तो हमारा दबा दिया जाएगा, अरे इन लोग तो ट्रांसजेंडर, इनकी तो कोई वो नहीं है, कहाँ की अकल, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे रहे हमको मान्यता ही नहीं दिया। अभी तो सरकार ने नौकरी वोकरी दी विजय जी, कई लोगों को नौकरी लगा, पुलिस में लगा, बाकी जगह पे भी, ये अच्छा पहल है सर, बहुत अच्छी पहल है, और मैं तो धन्यवाद करूँगा शासन प्रशासन का कि अब हम ट्रांसजेंडर्स को भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और स्पेशली निवेदन करूँगा हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, शासन से ये गुहार करूँगा कि हमारे ट्रांसजेंडर्स को भी जॉब दिया जाए, एटलीस्ट एक एक विभाग में एक एक पर्सन को रखा जाए, वो उनके काबिलियत के अनुसार जो उनके अंदर काबिलियत है, वो जो इतना पढ़े लिखे हैं, चाहे स्वीपर हो चाहे एक साहब हो, मैं ये भी निवेदन करूँगा कि हमारे पास MA है, MSc है, बहुत सारे लोग हैं एजुकेटेड लोग, परंतु क्या आज वो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है? क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन ने हमें जॉब के लिए नहीं दिया, आज जॉब देगा तो आज हम भी समाज में नजर आएंगे, कोई प्रोफेसर आज हमारे 27-28 बच्चे जो ट्रांसजेंडर पुलिस बने हैं, हमें गर्व है, हम थैंक्स बोलते हैं शासन प्रशासन का, मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो एक बहुत बड़ी पैरवी रही और बहुत बड़ा एक प्रयास रहा, आज समाज में जिस वर्दी से हम डरते थे आज वो वर्दी हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ इतने से काम बन जाएगा क्या, या फिर लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये इतना बहुत छोटा नंबर है कि 30 लोगों को 29 लोगों को आपने मेन स्ट्रीम पे ला दिया, संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, जारी और रहना चाहिए सर, और स्ट्रांग होना चाहिए, हम ट्रांसजेंडर लोगों को अच्छे से जीने का अधिकार होना चाहिए, और नौकरी के ऑप्शन मिलने चाहिए और मिलने चाहिए डिपार्टमेंट सब। तो आपने देखा कि इनकी समस्याएं जो है इस विधानसभा चुनाव के सरकमस्टेंसली ये है कि अगर
चुनाव के जो राजनीतिक दल हैं उनके मैनिफेस्टो में इनके लिए कोई जो है योजना आ जाती है, किसी तरीके की कोई जो है व्यवस्था की जाती है, तो इनका भी भविष्य जो है वो बेहतर बन सकता है। बावजूद इसके ये देखा गया है कि कई बार चुनाव कंडक्ट हो जाने के बाद, कई बार इनके तरफ से जनप्रतिनिधि चुने जाने के बावजूद अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं, और इसी का दर्द जो है वो यहाँ इनको दिखता है। और सिर्फ दर्द की नुमाइश करना ही इनको पसंद नहीं है, बल्कि ये अपने हक के लिए संघर्ष भी करना चाहते हैं, और यही कारण है कि इस विधानसभा चुनाव में विजय जैसे कई लोग हैं जो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। एक सतही तौर पर जो मिले आंकड़े के हिसाब से बिलासपुर शहर और उसके आसपास के जिलों में तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि थर्ड जेंडर वर्ग से आते हैं, भले वो वर्गों में बटे हों लेकिन वो वोटर तो हैं। और इसी साथ हमने देखा है कि रायगढ़ जैसे शहर में एक जो मेयर है वो एक ट्रांसजेंडर वर्ग से आया था, तो क्या लगता है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें और बेहतर हो सकती है? सवाल आपके लिए है, और इनको सपोर्ट करना और आगे बढ़ाना भी आपके हाथ में है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक के लिए।